हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की आपकी नई जॉब अपडेट है रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस ये गेस्ट फैकल्टी की जॉब है। तो आपको यहाँ पे सैलरी स्केल लिमिटेड ही होता है, पर लेक्चर के बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। प्लस यहाँ पे आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कवर हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 245 यहाँ पे आपकी पोस्ट है। डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। जो आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो यूजीसी के अकॉर्डिंग होती है। तो कुछ डिसिप्लिन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे आप पीजी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल हमने आपके लिए वीडियो में कवर कर दी है। एक और बात, यहाँ पे कोई भी स्टेट का कैंडिडेट आराम से अप्लाई कर सकता है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं करी गई है यहाँ पे। तो आपको लगता है आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, प्लस हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करते रहो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपके नोटिफिकेशन की ऑफिशियल साइट है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपका इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, यहीं पे आपको अपनी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है आपकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो ये आपकी जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है वो रिलीज्ड हुई है मुंगा यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलीज़ हुई है। प्लस यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि ये नोटिफिकेशन पहले भी रिलीज्ड हो चुकी है, तो इस नोटिफिकेशन को रिवाइज़ किया गया है। तो जिन्होंने 2019 में इस नोटिफिकेशन में अप्लाई किया था उनको एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी अप्लाई करने के लिए 2nd of May। तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। डिपार्टमेंट काफ़ी सारे कवर हो रहे हैं। क्वालिफिकेशन में क्या क्या रहेगा आपका, बहुत सारे डिसिप्लिनस में तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए लाइक नेट, स्लेट या सेट। या आपको 5% की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप SC ST OBC की नॉन क्रीमी लेयर इन सबसे बिलोंग करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। रिलैक्सेशन मीन्स यहाँ पे आपको 5% की मार्क्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाएगी। जनरल वालों को अप्लाई करने के लिए 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको अप्लाई करने के लिए 5% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्वालिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया यही रहेगा, अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी, अदरवाइज विदाउट PhD पे आप अप्लाई कर सकते हो गेस्ट फैकल्टी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर आते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करी गई है आपसे यहाँ पे। जर्नल वालों के लिए 1000 रुपीज़ है और आपकी EBC के लिए BC के लिए 1000 रुपीज़ है। SC और ST के लिए आपकी 800 रुपीज़ है। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज आप देखोगे गेस्ट फैकल्टी के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी कम होती है, लाइक 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, यहीं तक आपके मैक्सिमम जाती है। पोस्ट है आपकी पास गेस्ट फैकल्टी की या पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो आपका जो सैलरी स्केल होगा वो मैक्सिमम 50,000 पर मंथ जाएगा और आपको लेक्चर के बेसिस पे पे किया जाएगा। पर लेक्चर पे आपको 1500 रुपीज़ पे किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट यही मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आपको इसको फिल करना है, पसंद के पोस्टल एड्रेस पर सेंड कर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी। स्क्रीनिंग के लिए भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे 50% मार्क्स बनते हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा, अदरवाइज अप्लाई मत करिएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते इंटरव्यू के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपकी पोस्ट रिलीज हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी पोस्ट है। कुछ कुछ पोस्ट तो यहाँ पे आपकी रहेंगी, 245 पोस्ट है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपकी। तो अभी सारी नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट से हैं। लाइक पहले साइंस मेंशन कर रखा है, साइंस में आपका बॉटनी में आपकी 20 पोस्ट है, प्लस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है। फिर आता है जूलॉजी, इसमें आपकी 22 है, फिजिक्स में 22 है, केमिस्ट्री में 20 है, मैथ्स में 12 है, हिस्ट्री में आपकी रहेगी 22, पॉलिटिकल साइंस में 18, इकोनॉमिक्स में 14, सोशियोलॉजी में आपकी पोस्ट नहीं है, साइकोलॉजी में 9, होम साइंस में 2, कल्चर में आपकी 3, IRPM में आपकी 3, ज्योग्राफी में आपकी 2। नेक्स्ट आता है आपकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, उसमें आपको मेंशन कर रखे है फिलॉसफी में आपकी रहेगी 14, हिंदी में 22, इंग्लिश में 27, संस्कृत में 1, उर्दू में 5, बांग्ला में 2, पाली में 1, म्यूजिक एंड देन कॉमर्स में आपकी 4। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपकी निकली है 245। तो पोस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा है, डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहे हैं आपके। तो आपको लगता है आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, प्लस आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, रेलेवेंट डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो अब आपको समझ आ गया अप्लाई कैसे करना है। फिर भी आपकी कोई क्वारीज होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आप घर बैठे बैठे पैसे कमाने के लिए सोच रहे हो, प्लस आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या अगर आप कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, प्लस आप घर बैठे बैठे पैसा भी कमाना चाहते हो, तो हमारे जो टॉप राइट कॉर्नर पे वीडियोस आपको दिखेगी आप उस पर जरूर क्लिक करिएगा। बहुत ईजी मेथड है, आप वहाँ से आराम से घर बैठे पैसे कमा सकते हो।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. अब तक के लिए मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दे. हैप्पी डे एंड स्टे सेफ.